स्वास्थ्य कर्मी भी टीकाकरण लगवाने से हिचकिचा रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, इसमें वैक्सीन की सेफ्टी जो है पूरा देख करके तभी लॉन्च किया गया है। हिचकिचाहट कभी कभी शुरुआत में कोई भी स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन ऐसा इसका है नहीं। सर क्या कंपलसरी है क्या लगाना है अगर कोई ना लगवाना चाहे सर? वैक्सीनेशन कोई कभी भी कंपलसरी नहीं रहा है भारत में किसी भी तरह का वैक्सीनेशन, लेकिन मोटिवेशनल कंपल्सन समझिए आप कि हम मोटिवेट करेंगे ताकि कोरोना इरेडिकेट हो हमारे देश से, तो मोटिवेशनल कंपल्सन है। वैसे कभी कोई भी वैक्सीनेशन कंपल्सन नहीं, पोलियो भी किसी ने नहीं पिलाया तो हम लोग गए मोटिवेट किया उसको, राजी किया और उसको पिलाया, जबरदस्ती तो यहाँ कुछ नहीं होता। खुदा ना खास्ता कोई निपट गया अगर तो नहीं निपट क्यों जाएगा आप ऐसे। अच्छा वैक्सीन को लेकर कोई अगर अफवाह फैला रहा है उसके लिए क्या करेंगे? इस तरह का नहीं उस तरह का जैसे इसीलिए इंतजाम किया गया है, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके रिएक्शन को टीम में बांटा गया है, तो फिर अगर कोई सीवियर रिएक्शन तो उसके लिए स्टैंड बाई। किसकी किसकी ड्यूटी लगी हुई है? हमारे पास कल वैक्सीन जो है अयोध्या मंडल से जो है पूर्ण पुलिस सुरक्षा में और स्कॉर्ट करते हुए हमारे यहाँ पर सेंटर पर सीएमओ ऑफिस में जो हमारा वैक्सीन का जो हमने विस्तार बना रखा है वहाँ पर कल वैक्सीन रिसीव कर ली गई और पूर्णतः सुरक्षा में वैक्सीन है। आज वैक्सीन को हमारे यहाँ से जो है उस पर वैक्सीन सेंटर्स पे दूसरी जगहों के लिए रवाना कर दिया गया है। चार सेंटर्स कल के लिए निर्धारित किए गए हैं, लियो मेडिकल कॉलेज, हिंदी मेडिकल कॉलेज, सत्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला प्रूफ चिकित्सालय। कल चार जगहों पर 100-100 फ्रंट लाइन वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है और कल निर्देश मिलने के हिसाब से सभी जगह पर वैक्सीनेशन कर दिया। कुल कितने स्वास्थ्य कर्मियों को कल? 400 स्वास्थ्य कर्मी रजिस्टर्ड होंगे चारों पे मिलाकर। टाइमिंग भी बता दीजिएगा सेंटर से, टाइमिंग भी बता।